जैसे कि कॉस्मेटिक चेंज करके गाड़ी का जो है लुक और स्टांस एक अलग लेवल पे बदल चुका है। 205/55R17 यहाँ पे आपको टायर साइज एक साइज अप कर दिया गया है। पूरा ब्लैक कलर का इंटीरियर मिलेगा, रेड स्टिचिंग मिलेंगे जैसे कि आपको वर्टस ड्यूटी लाइन में मिलते हैं। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं C04 कार्स और सामने अपने VW टाइगोन, और ये आप देख रहे हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ जो भी आई है। यहाँ पे आपको मिल रहा है 1.5 लीटर TSI और ये है आपका GT स्पोर्ट्स प्लस एडिशन। क्या अपडेट के साथ आई है, आज के वीडियो में सारा अपडेट कवर अप करने वाला हूँ। क्या स्टांस बदल गया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस जैसे कि कॉस्मेटिक चेंज करके गाड़ी का जो है लुक और स्टांस एक अलग लेवल पे बदल चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं GT जोन का यहाँ पे आपको स्टिकर्स वगैरह दिया गया है, मतलब कि आपको GT स्पोर्ट्स एडिशन मिलने वाला है। बात करें सबसे पहले फ्रंट लुक की, कोई भी यहाँ पे आपको गाड़ी में क्रोम पार्ट नहीं मिलने वाला है। अगर आपको क्रोम पार्ट वाला चाहिए वो आपको अलग से वही प्राइस पॉइंट में आपको अलग से कोई भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, सेम प्राइस में आपको क्रोम पार्ट वाला मिल जाएगा। और ब्लैक कलर का आप ज़्यादा पसंद है, ब्लैक कलर आप ज़्यादा शौकीन करते हैं, यहाँ पे आपको मिलने वाले हर एक पार्ट ब्लैकआउट कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको लोगों को छोड़ के हर एक चीज़ यहाँ पे आपको GT की बैजिंग मिल जाती है। सामने में देख सकते हैं लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर्स पूरा का पूरा LED है। फॉग लैंप का प्लेसमेंट यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग में, फ्रंट का ग्रिल और GT की बैजिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है, और फ्रंट का लुक ऐसा कुछ मिल जाता है VW का यहाँ पे आपको लोगो दिया गया है। ओवरऑल गाड़ी की अब बात करें साइड लुक की, साइड लुक में आया तो अब यहाँ पे आपको जैसे नॉर्मल वाले में यहाँ पे आपको 16 इंच के अलॉय आते थे, इस गाड़ी में आपको 17 इंच के यहाँ पे आपको अलॉय व्हील दे दिए गए हैं। 205/55R17 यहाँ पे आपको टायर साइज एक साइज अप कर दिया गया है। पहले आपको मिलता था 16, फ्रंट में डिस्क और रियर में आपको मिलेगा ड्रम ब्रेक्स। ओवरऑल गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है 188 mm का, और व्हील बेस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगा कितना 2651 mm का यहाँ पे आपको व्हील बेस मिल जाता है। मतलब कि गाड़ी में आपको अच्छा खासा व्हील बेस मिलता है, जिस वजह से अंदर में स्पेस आपको काफ़ी बेहतर हो जाता है। जिन भी भाई को भगाने का शौक है और ब्लैक कलर की गाड़ी चाहिए, स्पेशियस चाहिए, ज़्यादा एकदम बड़ा भी नहीं चाहिए, ये गाड़ी पर्टिकुलर बैठ के निकल के आती है। बेसिकली दो मॉडल में आपको ये वाला GT स्पोर्ट्स प्लस एडिशन मिलने वाला है, एक हाई लाइन और एक मिलने वाला है टॉप ऑफ द लाइन, टॉप लाइन में आपको मिलने वाला। और ये है आप देख रहे 1.5 लीटर और यहाँ पे ढका हुआ है 1 लीटर का एक इंजन, जो अभी आता है वो वाला ऑप्शन मिलेगा 1.5 लीटर में और एक 1 लीटर के ऑप्शन में मिलने वाला है जो कि यहाँ पे ढका हुआ है। अब बात करें गाड़ी के साइड लुक की, हमने देखा ग्राउंड क्लियरेंस, हमने देखा यहाँ पे आपको गाड़ी के दोनों फेंडर में आपको GT लाइन की बैजिंग मिलने वाली है, ऐसा कुछ रेड कलर के एसेंट्स में गाड़ी में अलग से पूरा दिखता हुआ यहाँ पे आपको मिल जाता है। ORVM की बात करें, रिट्रैक्टेबल फोल्डेबल एडजस्टेबल, यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर भी मिल जाता है, बढ़िया तरीके से वही रखा गया है, कोई भी और चेंजेस नहीं है। जितने भी कॉस्मेटिक चेंजेस हो सकते थे बाहर बाहर से जो लोग ऑटोमेटिक करा लेते थे ले जाने के बाद, अब उनको कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं। सेम प्राइस में आपको ये वाला एडिशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, और क्रोम वाला चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। नॉर्मल से यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक में, एक मैट ब्लैक में यहाँ पे आपको बढ़िया सा रूफ रेल्स दोनों साइड का दिया गया है, इस वजह से गाड़ी का जो साइड स्टांस है काफ़ी बढ़िया हो गया है। सनरूफ तो मिलता ही है गाड़ी में आपको, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 50 लीटर का फ्यूल टैंक, जिस वजह से गाड़ी में आपको बढ़िया माइलेज भी मिल जाता है, और गाड़ी जो है अच्छी खासी रेंज, मतलब मोटा मोटा 1000 किलोमीटर का रेंज गाड़ी में आप रन कर सकते हैं। यार गाड़ी का साइड लुक बताऊँ, ये ब्लैक कलर के अलावे की वजह से काफ़ी मज़ेदार हो गया है, और रूफ रेल्स का तो और बढ़िया है ही। बात करें एक सेकेंड, यहाँ पर लॉक अनलॉक के साथ ORVM भी खुल जाएगा, और ये देखिए यहाँ पर आपको मिलने वाला है कनेक्टेड LED टेल लैम्प, जिस वजह से इसका स्टांस रियर से काफ़ी बड़ा और एग्रेसिव हो जाता है। भाई यही ब्रांड है जो इसमें आपको रियर से एज वेल एज फ्रंट से भी काफ़ी क्लासी और स्टांस और एग्रेसिव लुक आपको इस सेगमेंट की गाड़ियों में देने वाला है। GT की बैजिंग रियर में आपको मिल जाती है, रियर में कितना 1, 2, 3 पार्किंग सेंसर, रिवर्स कैमरा, यहाँ पर नंबर प्लेट में LED लाइट दिया गया है। बात करें बूट स्पेस की, यहाँ पर आपको मिल जाता है 385 लीटर का बूट स्पेस 60-40 स्प्लिट्स के साथ विद पार्सल ट्रे, और ऐसा कुछ काफ़ी स्पेशियस यहाँ पे आपको बूट मिलने वाला है, तो यहाँ पे स्पेस की तो कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। तीनों के तीनों हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल दिए गए, अंदर चलेंगे और बात करते हैं, इसको पकड़ के से अपन बंद भी कर सकते हैं। और ये रहा LED नंबर प्लेट वाला लाइट, वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना यहाँ पे आपको बढ़िया से दिया गया है। रियर का लुक कनेक्टेड टेल लैंप्स की वजह से बहुत मज़ेदार लग रहा है। इस साइड की बात करें
ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों साइड में आपको GT लाइन की बैजिंग मिलने वाली है, और भी ऐसा कुछ नहीं है। बाहर से हमने देखा चाबी भी एज यूजल वही रखा गया है, लेकिन कलर की वजह से, कुछ क्रोम पार्ट की फिनिशिंग्स की वजह से इतना स्टांस बढ़ जाता है, वो आप देख सकते हैं। DRL यहाँ पे आपको देख सकते हैं, बढ़िया से मिल रहा है। अब बात आती है इंटीरियर्स, इंटीरियर में क्या एग्रेसिव चेंज किया गया है। इसको कर देते हैं फिलहाल के लिए बंद अभी, और ऐसा कुछ मज़ेदार इंटीरियर आपको मिलने वाला है। पूरा ब्लैक कलर का इंटीरियर मिलेगा, रेड स्टिचिंग मिलेंगे जैसे कि आपको वर्टस GT लाइन में मिलते हैं। इसमें आपको सॉफ्टस दिया गया है, 4 पावर विंडोज, इलेक्ट्रिक कंट्रोल में ORVM, यहाँ से आपको रिट्रैक्टेबल, फोल्डेबल, एडजस्टेबल, पियानो ब्लैक फिनिशिंग में डोर ओपनर के साथ, यहाँ पे आपको सिल्वर टोन में दिया गया, डार्क ग्रे बोल सकते हैं। लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से, अम्ब्रेला होल्डर के साथ, बॉटल होल्डर, स्पीकर्स की बैजिंग 1, 2, 3, 4 और 2 ट्विटर के यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं। 4+2 का सेटअप दिया गया है, इलेक्ट्रिक सीट्स यहाँ पे आपको बढ़िया से प्रोवाइड किए गए, एज वेल एज वेंटिलेटेड सीट्स भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ड्राइवर साइड एज वेल एज को ड्राइवर साइड यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सीट्स और वेंटिलेटेड सीट्स मिलने वाले हैं। ये देखिए भाई, इसका जो मज़ा है ना, ये ही गाड़ी आप दे सकता है और कोई भी नहीं दे सकता। पावर, परफॉर्मेंस, फील एंड और बहुत कुछ ये गाड़ी आपको मिल जाता है 7-speed DCT के साथ, 7-speed DSG के साथ। एक मिनट, AC को हम बंद कर देते फिलहाल के लिए। GT की बैजिंग, जैसे आप गाड़ी को ऑन करेंगे तो बढ़िया सा GT वेलकम करता हुआ आपको दिखेगा। 7 inch के यहाँ पे आपको मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और 10 inch के यहाँ पे आपको मिल जाता है इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, तमाम फीचर यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अक्सर गाड़ियों में आपने देखा होगा ट्रैक्शन ऑन ऑफ बटन यहाँ पे दिए जाते हैं या तो यहाँ पे दिए जाते हैं, लेकिन Volkswagen में आपको मिलता है डिस्प्ले में, इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको दे दिया जाता है और उसी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सिंगल जोन है, कोई भी डुअल जोन नहीं है, वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल, लॉक अनलॉक, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे आपको दिया गया है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग पूरे डैशबोर्ड में कनेक्टेड ऐसा वाला मिल जाता है। और एक चीज़ दिखाओ, रेड एसेंट में यहाँ पे आपको बढ़िया से एम्बियंट लाइट भी प्रोवाइड किया गया है, जिस वजह से गाड़ी का इंटीरियर और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और मज़ेदार हो चुका है। यहाँ पे आपको मिलने वाला वॉइस कमांडेड फीचर, और जो भी आपको मीडिया के कंट्रोल्स हैं यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। व्यू करना यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एक सेकेंड, डोर को कर देते फिलहाल के लिए बंद अपन। यहाँ से आपको तमाम फीचर मिल जाएंगे, ABS, CVT, ESP, हिल असिस्ट कंट्रोल के साथ सारा कुछ ये फीचर्स आपको निकाल के देता है गाड़ी, और बढ़िया से आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाती है। 5-star रेटेड गाड़ी में बैठे हैं और ये चीज़ आपको प्रूफ करके देते Volkswagen वाले। एयरबैग की बात करें, 1-2 सीट्स में दोनों, और कर्टेन एयरबैग, मतलब कि 6 एयरबैग गाड़ी में आपको मिलने वाले हैं बढ़िया तरीके से। 7-speed DSG आपको मिलेगा 1.5 liter में, 6-speed DSG आपको मिलेगा टॉर्क कन्वर्टर के साथ 1 liter में आपको मिलने वाला है, ठीक है। और बात करें ग्लव बॉक्स की, तो यहाँ पे आपको डीप ग्लव बॉक्स दिया गया, कूल फीचर के साथ आपको मज़ेदार तरीके से दिया जाता है। भाई गाड़ी का जो प्राइस पॉइंट है मज़ेदार है, जो एडिशन में आ रही है वो भी मज़ेदार है, ऑलमोस्ट जो माइलेज क्लेम करती है गाड़ी इस 1.5 liter के इंजन के साथ ऑलमोस्ट 19.1 का, जो कि ऑलमोस्ट मोटा मोटा इजिली 20 किलोमीटर तक का एवरेज गाड़ी में निकाल सकते हैं। ये आपका ऑटोमेटिक IRVM, ये आपका LED केबिन लैम्प, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्या, सनरूफ, ये देख सकते हैं। अभी मैं खोल के नहीं दिखा रहा हूँ, बस कमी है यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर की, और एज यूजुअल कोई भी नहीं है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, टिकट होल्डर ऑनली दिया गया, टिकट होल्डर यहाँ पे आपको नहीं दिया गया, वैनिटी मिरर इस सेट दिया गया बड़े तरीके से विदाउट लाइटिंग। हमने देखा फ्रंट इंटीरियर एज यूजुअल और कुछ नहीं है, आर्मरेस्ट स्लाइडेबल है, काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी आगे तक स्लाइड होके आता है हिप स्पेस के साथ। और ये आपका कप होल्डर, चाबी अभी रखना तो यहाँ पे आप रख सकते हैं बढ़िया तरीके से। वायरलेस चार्जर, 2 Type-C सॉकेट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं बढ़िया तरीके से, और ऐसा कुछ भी नहीं है। 12V का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे आपको बढ़िया से दे दिया जाता है। भाई देखो इजी टू यूज़ है, कहीं भी आपको अंदर जाने घुसने की ज़रूरत नहीं है, सब बार बार दिया गया, इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। अब चलते हैं मेन गाड़ी के रियर की ओर, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही मिलता है, और यहाँ पे आपको मिलने वाले वाइपर के कंट्रोल्स, हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर इवन यहाँ पे आपको दिए जाते हैं, क्रूज कंट्रोल भी यहाँ पे, मीडिया के कंट्रोल्स यहाँ पे वॉइस कमांड फीचर के साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब चलिए रियर की ओर, रियर की बात करें तो रियर में यहाँ पे आपको स्पेस तो है काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि व्हील बेस जो इस गाड़ी में बढ़िया से मिलने वाला है, और गाड़ी का जो लेग रूम है, थाई सपोर्ट है, काफ़ी
बढ़िया तरीके से आपको मिलने वाला है। कप होल्डर, दो टाइप सी सॉकेट, एसी वेंट्स और बैठने में मज़ेदार लग रहा है। रियर में भी केबिन लैंप आपको मिल जाता है एलईडी वाले, अभी शायद से ऑन नहीं हो रहा क्योंकि बैटरी वगैरह जो है इजीली डिस्चार्ज हो जाता है, तो गाड़ी जो है ऑटोमेटिक अपने हिसाब से बंद कर दिया है। एक और दो, और यहाँ पे आपको थ्री पॉइंट नहीं, रियर में आपको 2 पॉइंट ही सीट बेल्ट मिलने वाला है, दो ही पैसेंजर के लिए, 3 पैसेंजर के लिए आपको नहीं मिलेगा। आर्मरेस्ट काफ़ी बढ़िया है, इजीली एकदम परफेक्ट सेट जगह एडजस्ट हुआ है, कोई भी इसको अलग से नीचे ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। अब चले मेन किसकी बात, 1.5 लीटर TSI इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है। ये देखिए भाई, इसका मज़ा है इस गाड़ी में, 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर जो कि प्रोड्यूस करता है कितना, 147 BHP और निकालता है 250 Nm का टॉर्क। 1.5 लीटर वाला 1 लीटर में जाएंगे तो आपको मिलेगा 114 BHP और निकालेगा 178 Nm का टॉर्क। ABS-CVT जो है किट आपको अंदर देखने को मिल जाएगी और ऐसा कुछ भी नहीं है। माइलेज वगैरह मैंने आपको बताया, प्राइस पॉइंट जो आपको बताया वो गाड़ी परफेक्ट जस्टिफाई करती है। क्या आपका ओपिनियन है एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना, क्या आउटलुक निकाल के आया, इस प्राइस पॉइंट में कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे एक बार ज़रूर से मुझे बताना। ठीक है गाइस, होप करता हूँ कि आपको गाड़ी जो है पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।